little bit. Hello, sir. Hi, how are you? थैंक यू वेरी मच। ये हंसल मेहता जी का आइडिया है कि शहर को हम अपने पोस्टर के ज़रिए गंदा नहीं करना चाहते, और अपने खुद के ज़रिए हम लोग अभी तक खुद के मेहनत से सब लोग हम लोग अभी तक पब्लिसिटी कर रहे थे, और ये भी एक तरीका है कि हम लोगों के बीच जा कर के अपने फिल्म का प्रचार करें बिना शहर को गंदा किए हुए। नहीं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की कि हमारा अपना शहर है, हम कहते रहते हैं सफाई नहीं रहती, गंदा रहता है, और खुद ही इन पे अपनी दीवारों पे हर तरह की फिल्म के पोस्टर लगा के उसको गंदा करते रहते हैं। तो ये आई थिंक हंसल सर का एक इनिशिएटिव है कि हम ऐसा ना करें और खुद खड़े होकर अपनी फिल्म का पोस्टर करें, पकड़ें और प्रचार करें। नया तरीका है नो, एक जब क्या आने वाले वक्त में जो पोस्टर लगाने की प्रथा है वो भी कहीं खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लोगों को भी फिल्म देखने जाना चाहिए, जो अच्छी फिल्म है ट्रेलर आपको इंटरनेट पर मिलता है वो देखें, और मतलब फिल्म के मार्केटिंग बजट पर कम थोड़ा सा बोझ डालें, फिल्म देखें, फिल्म पसंद करें और फिल्म को सिल्वर जुबली कराएं जैसे पुराने ज़माने में होता था। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई शहर को हम गंदा ना करें। दिल्ली में आप होर्डिंग साइन नहीं देखोगे, या बम्बई शहर है जहां पर होर्डिंग साइन लगते हैं, तो आप जहां भी जाते हो वहां जगह जगह मतलब फिल्म के होर्डिंग साइंस लगते हैं, और होर्डिंग साइन का होना मतलब थोड़ी है कि फिल्म बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये है कि किसी ने खर्चा बहुत किया है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे मनोज जी, मार्केटिंग की हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो खड़े हैं यहाँ पे। और कई बार बहुत, और हमें इस चीज के कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। नहीं नहीं, इसके बिल्कुल नहीं मिल रहे। कई बार कंटेंट अच्छा होता है लेकिन उसको उस तरह से लोगों तक पहुँचा नहीं जा सकता, वो कहीं नेगेटिव साइन है। किसका नेगेटिव साइन? किसका कंटेंट अच्छा है लेकिन प्रमोशन उस तरह से हो नहीं पाया है, या फिर ओवर प्रमोशन हो गया, फिर भी कंटेंट। देखिए बहुत सारी चीजें दर्शकों के ऊपर भी है। अच्छी फिल्म देखें, अच्छी फिल्म का प्रचार हम सोशल मीडिया के जरिए भी होता है, टेलीविज़न के जरिए भी हो जाता है। अच्छी फिल्म को पता करें और अच्छी फिल्म देखने जाएंगे तो प्रचार पे जो है बोझ कम होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च करने से ये होता है कि उसकी रिकवरी जो है उसकी बहुत मुश्किल हो जाती है फिल्म की। और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर तरीके की फिल्में बनती हैं, बड़ी फिल्म पर भी बड़ा खर्चा अगर डाल दिया जाए तो उसको रिकवर करते करते बहुत मुश्किल होती है। और अच्छी फिल्मों पे तो हम लोग ज़्यादा ज़ोर शोर से इसीलिए लगते हैं क्योंकि न सिर्फ इसमें विश्वास होता है बल्कि हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, आपके माध्यम से या हमारे अपने छोटे मोटे मेहनत के माध्यम से, इसकी कोशिश जारी रहेगी। क्या एक और नेशनल अवार्ड मनोज वाजपेयी? ये देखिए, हिंदुस्तान में तरह तरह की भाषाओं में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, तो ये कहना कि सिर्फ यही एक परफॉर्मेंस हुई नहीं, अभी पूरा साल बाकी है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि फिल्म को सम्मान मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे भविष्य में, पुरस्कारों से भी आगे जाए फिल्म, ये मेरी दिली तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच।